मोटरसाइकिल, साइकिल, कार, रेलगाड़ी, दैनिक जीवन में काम आने वाली छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी मशीनों का निर्माण वर्तमान समय में लोहे के बिना असंभव है। परंतु यह लोहा बनता कैसे है, यह जानने के लिए आज हम भ्रमण करेंगे आयरन एंड स्टील मेकिंग प्लांट का। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं त्रिनाथ राणा और आज हम पहुंच चुके हैं आयरन एंड स्टील मेकिंग प्लांट में। तो आज हम भ्रमण करेंगे इस पूरे प्लांट का और यह जानने का प्रयास करेंगे कि लोहा कैसे बनता है। चलते हैं। लोहा बनाने के लिए हमें सर्वप्रथम जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वो है लौह अयस्क। इसे अंग्रेजी में आयरन ओर कहा जाता है। इसे हेमेटाइट के नाम से भी जाना जाता है। इस अयस्क में लोहे के साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहता है, जिसे अलग करने के लिए हम कोयले का प्रयोग करते हैं। इसे अंग्रेजी में कोल कहा जाता है। साधारणतः यह पत्थर कोयले के नाम से भी जाना जाता है। अयस्क में उपस्थित रेत, मिट्टी इत्यादि अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमें आवश्यकता होती है डोलोमाइट की। यह जो चित्र आप देख रहे हैं यह डोलोमाइट है। कारखाने में इन सब की अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। लौह निर्माण प्रक्रिया में कोयले की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोयले का सूखा होना आवश्यक है, अतः इसे शेड में रखा गया है व पंखों द्वारा इसे सुखाया जा रहा है, जिससे यह सरलतापूर्वक जल सके। इन सामग्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए भारी मशीनों की आवश्यकता होती है। यहाँ कोयले को हापर में डाला जा रहा है। हापर लोहे से बनी हुई एक विशाल कीपनुमा संरचना होती है। इसके ऊपर लोहे की छिद्रयुक्त जाली लगी हुई है, जिससे कि एक निश्चित आकार का कोयला ही नीचे जा सके। इस स्थान से कोयला कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से कोल क्रशर तक पहुंचता है, जहां कोयले को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। ये कन्वेयर बेल्ट हैं। यह नीले रंग का प्रकोष्ठ कोल क्रशर है। यहां कोयले को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है तथा कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से इसे कोल स्क्रीनिंग हाउस में ले जाया जाता है, जहाँ विभिन्न आकार के कोयले के टुकड़ों को अलग किया जाता है। बारीक पिसे हुए कोयले के पाउडर एवं कोयले के छोटे टुकड़ों को आगे भेज दिया जाता है, जबकि बड़े टुकड़ों को इस बेल्ट के माध्यम से वापस क्रशर में भेज दिया जाता है, जहां इसे पुनः तोड़ा जाता है। डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन अथवा स्पंज आयरन निर्माण प्रक्रिया में दो प्रकार के कोयले की आवश्यकता होती है। महीन पिसे हुए चूर्ण को इंजेक्शन कोल एवं दरदरे कोयले को फीड कोल कहा जाता है। स्क्रीनिंग के द्वारा इन दोनों को अलग करके स्टॉक हाउस में अलग अलग संग्रहित कर लिया जाता है। यह स्टॉक हाउस है जहां कोल, डोलोमाइट एवं अयस्क संग्रहित रहते हैं। लौह अयस्क को भी उपयोग में लाने से पूर्व एक निश्चित आकार देना होता है, इसलिए इसे भी इस हापर में डाला जाता है। लौह अयस्क वाले हापर में भी निश्चित आकार के छेद वाली जाली लगी होती है। इसी हापर के माध्यम से डोलोमाइट को भी स्टॉक हाउस तक पहुंचाया जाता है। इस हापर के नीचे भी कन्वेयर बेल्ट लगे होते हैं। हमारे बाएं हाथ की ओर जो कन्वेयर बेल्ट दिखाई दे रहा है उससे कोयला आगे जाता है एवं हमारे दाहिने हाथ की ओर जो कन्वेयर बेल्ट लगा है उसके माध्यम से लौह अयस्क क्रशर हाउस तक पहुंचता है। यह क्रशर हाउस है। यहाँ लौह अयस्क के बड़े टुकड़ों को वांछित आकार में तोड़ा जाता है। क्रशर हाउस से टूटकर लौह अयस्क कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से स्क्रीनिंग हाउस तक जाता है। आगे स्क्रीनिंग बिल्डिंग दिखाई दे रही है। स्क्रीनिंग बिल्डिंग में छोटे टुकड़ों को आगे पुनः स्क्रीनिंग के लिए भेज दिया जाता है, जबकि बड़े टुकड़ों को वापस क्रशर हाउस में भेजा जाता है। लौह अयस्क को दोबारा छानकर बारीक डस्ट को अलग कर लिया जाता है, क्योंकि बारीक डस्ट का उपयोग हम किलन भट्टी के अंदर नहीं कर सकते। इसके पश्चात वांछित आकार के अयस्क के टुकड़ों को स्टॉक हाउस में एकत्र कर लिया जाता है।
स्टॉक हाउस में लौह अयस्क, डोलोमाइट एवं कोल का संग्रह रहता है। यहाँ एक निश्चित अनुपात में इन तीनों वस्तुओं को मिलाकर कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से आगे भेजा जाता है। यह डोलोमाइट है जो धीरे धीरे कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से एक निश्चित अनुपात में डाला जा रहा है। आप देख रहे हैं यह आयरन ओर पैलेट है। निश्चित मात्रा में यह चलता हुआ कन्वेयर बेल्ट इनको आगे लेकर जा रहा है। डेस्क के गोल गोल संरचनाओं को पैलेट कहते हैं, जबकि इस प्रकार टूटे हुए टुकड़ों को लम्प्स कहा जाता है। इन सब को कोयले में मिलाकर आगे भेजा जा रहा है। हम कन्वेयर बेल्ट चलते हुए देख पा रहे हैं और इन्हीं बेल्ट के माध्यम से सामग्रियां एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जा रही हैं। स्टॉक हाउस से आगे इस प्रकोष्ठ के माध्यम से अलग अलग किलन में आवश्यकता अनुसार सामग्रियां पहुंचाई जाती हैं। स्पंज आयरन निर्माण के लिए किलन में डाली जाने वाली सामग्रियों को फीड कहा जाता है। किलन में एक किनारे से फीड किया जाता है। किलन एक लंबी बेलनाकार पाइप के समान भट्टी होती है जो लोहे की बनी होती है। इसके भीतर उच्च ताप सह ईंटों की एक परत लगी होती है। इस किलन में इस किनारे से फीड डाला जा रहा है। किलन अपने अक्ष पर धीरे धीरे घूमती रहती है, इसी कारण इसे रोटरी किलन अथवा घूर्णी भट्टी कहा जाता है। इसके भीतर 800 से लेकर 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है, अर्थात जितने तापमान पर पानी उबल जाता है उससे 8 अथवा 9 गुना। इस उच्च तापमान पर डाली गई फीड धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है तथा इस भट्टी के भीतर लगभग 7 से 8 घंटे तक समस्त सामग्री गर्म होती है, जिससे स्पंज आयरन का निर्माण होता है। लौह अयस्क में उपस्थित ऑक्सीजन कोयले से क्रिया करके अलग हो जाती है। रेत एवं मिट्टी के कण डोलोमाइट से क्रिया करके अलग हो जाते हैं। घूर्णी भट्टी में एक किनारे से फीड डाली जाती है, जबकि विपरीत सिरे से इंजेक्शन कोल एवं वायु का मिश्रण भीतर प्रवेश कराया जाता है, जिसके द्वारा भीतर अग्नि प्रज्वलित होती है तथा उच्च ताप उत्पन्न होता है। इंजेक्शन कोल अर्थात बारीक पिसा हुआ कोयले का चूर्ण एवं तीव्र वेग की वायु, जिसे प्राइमरी एयर भी कहा जाता है, उस वायु से भीतर अग्नि प्रज्वलित होती है। इसके अतिरिक्त किलन में स्थान स्थान पर अन्य पंखे भी लगे होते हैं, जिन्हें सेकेंडरी एयर फैन कहा जाता है तथा उनसे प्रवाहित होने वाली वायु को सेकेंडरी एयर कहा जाता है। किलन में जलने के पश्चात ये समस्त गैसें इस ऊंचे चैम्बर में जाती हैं, जिसे ABC अथवा आफ्टर बर्निंग चैम्बर कहा जाता है। कोयला किलन के भीतर कम वायु में यदि जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड नामक गैस उत्पन्न होती है, जो अत्यंत विषैली होती है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इस आफ्टर बर्निंग चैम्बर के भीतर पुनः जलकर कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस बनाती है, जो अपेक्षाकृत कम हानिकारक होती है। घूर्णी भट्टी एवं आफ्टर बर्निंग चैम्बर से निकलने वाली गैसें अत्यंत गर्म होती हैं। इन्हें एक बॉयलर के भीतर प्रवाहित किया जाता है, जिसमें पानी से भरी हुई नलियां होती हैं। इससे तीव्र अतितप्त भाप का निर्माण होता है, जिससे टरबाइन चलाकर जनरेटर के माध्यम से विद्युत उत्पन्न किया जाता है। बॉयलर से निकलने वाली गर्म गैसों में धूल एवं कार्बन के हानिकारक कण रहते हैं, जो वातावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अतः इस गैस को वायुमंडल में छोड़ने से पूर्व
ESP नामक उपकरण से गुजारा जाता है। ESP अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसके भीतर विद्युत आवेशित प्लेटें लगी होती हैं जो धूल एवं कार्बन के हानिकारक कणों को नीचे अवक्षेपित कर देते हैं तथा गर्म गैसों को चिमनी के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। कीलन को घुमाने के लिए अत्यंत शक्तिशाली विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। यह मोटर और यह गियर एवं शाफ्ट जिसके माध्यम से कीलन अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। कीलन लोहे के पहियों के ऊपर घूमता है। कीलन के भीतर का तापमान दूर से ही अनुभव किया जा सकता है। जो प्रक्रिया हम अपने समक्ष देख रहे हैं इसे केवाटी लगाना कहते हैं। अब हम जिस स्थान से इंजेक्शन कोल एवं प्राइमरी एयर डाला जाता है उस स्थान पर जाकर के निकट से देखने का प्रयास करेंगे। इस स्थान से प्राथमिक वायु एवं इंजेक्शन कोल भीतर इंजेक्ट किया जाता है। नीचे मोटी पाइप से वायु प्रवाहित की जा रही है एवं ऊपर एक पाइप के द्वारा कोल डाला जा रहा है। इस प्रकार घूर्णी भट्टी में 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 7 से 8 घंटे तक जलने के पश्चात आयरन अयस्क का जो ऑक्सीजन होता है वह कार्बन से अभिक्रिया करके अलग हो जाता है। साथ ही रेत एवं मिट्टी के जो भाग होते हैं वे डोलोमाइट से अभिक्रिया करके अलग हो जाते हैं। इस प्रकार स्पंज आयरन का निर्माण होता है। किलन भट्टी के भीतर स्पंज आयरन के साथ जो राख रहती है इसे चार कहते हैं। हमें किलन भट्टी से स्पंज आयरन को निकालने के पश्चात इसे अलग करना होता है, परंतु यह मिश्रण अत्यंत गर्म होता है और इस गर्म मिश्रण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना सरल नहीं होता, अतः इसे किलन से निकालने के पश्चात ठंडा करना आवश्यक है। इस मिश्रण को शीतल करने के लिए हम इसे एक बेलनाकार कूलर में डालते हैं। यह कूलर लोहे की बनी हुई एक बेलनाकार पाइप की तरह संरचना होती है। इसके ऊपर जल डाला जाता है तथा मिश्रण इसके भीतर से होते हुए आगे धीरे धीरे बढ़ते रहता है। कूलर से गुजरने के पश्चात मिश्रण का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के मध्य रह जाता है। कूलर भी रोटरी किलन की तरह अपने अक्ष पर धीरे धीरे घूमता रहता है। कूलर से अब स्पंज आयरन एवं चार का मिश्रण बाहर निकलने के लिए तैयार है। हम यहाँ देख सकते हैं कि कूलर से निकलने वाला उत्पाद कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। कूलर से निकलने के पश्चात यह उत्पाद आगे स्क्रीनिंग बिल्डिंग की ओर जाता है। स्क्रीनिंग बिल्डिंग में इसे स्क्रीनिंग द्वारा अलग किया जाता है। स्क्रीनिंग बिल्डिंग में बड़े कण, छोटे कण एवं डस्ट पार्टिकल सबको अलग अलग कर लिया जाता है। स्क्रीनिंग के पश्चात स्पंज आयरन एवं चार के मिश्रण को चुंबक द्वारा अलग कर लिया जाता है एवं स्पंज आयरन को PSB अर्थात प्रोडक्ट स्टॉक बंकर में संग्रहित कर लिया जाता है।
यहाँ से ट्रकों के माध्यम से इस उत्पाद को अन्यत्र ले जाया जाता है। अब हमारा लोहा तैयार हो चुका है, जिसे हम स्पंज आयरन कहते हैं। परंतु दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुएं बनाने के लिए लोहे में जो गुण होने चाहिए वह इसमें नहीं है। यह भंगुर होता है, इसमें अशुद्धियां पाई जाती हैं। दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुएं बनाने के लिए इसे पिघलाकर इसकी अशुद्धियों को दूर करके इसमें अन्य आवश्यक धातुएं मिलाकर वांछित गुणवत्ता वाला इस्पात तैयार किया जाता है। इसकी चर्चा हम इस वीडियो के दूसरे भाग में करेंगे। कृपया दूसरा भाग भी अवश्य देखें। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।